वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। किंगडम मोनेरा में हमने कुछ करेक्टरिस्टिक फीचर को पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म को। क्या पढ़ेंगे? बैक्टीरिया क्या, हम साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की साइटोप्लाज्म में, तो इसमें जो मेन स्टोरेज होता है वो किसका होता है? ग्लाइकोजन, जो क्या होता है? रिजर्व फूड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं साइटोप्लाज्म के रेफरेंस में। इसमें वोलेटाइल ग्रेन्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं? फॉस्फेट रिजर्व होते हैं। ठीक है, तो अगर बात करो वोलेटाइल ग्रेन्यूल का, तो एक तरह से देखो तो ये फंजाई में भी प्रेजेंट होता है, एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन फंजाई। अगर आप वोलेटाइल ग्रेन्यूल की बात करो या फॉस्फेट रिजर्व की बात करो, तो ये फंजाई में भी प्रेजेंट होता है और ये बैक्टीरिया में भी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्या होता है साइटोप्लाज्म में? नेक्स्ट होता है पीएचबी। पीएचबी का अगर फुल फॉर्म देखो क्या होता है, इसका मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट, पॉली हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। ठीक है, ये होता क्या है? लिपिड लाइक मटेरियल होता है। क्या होता है? लिपिड लाइक मटेरियल होता है, जो कैसा काम करता है? कार्बन एंड एनर्जी सोर्स का कैसे काम करता है? एक्ट एज कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। ठीक है, कैसा काम करता है? कार्बन एंड एनर्जी सोर्स। चलो, और अगर आप आगे बात करो कि और क्या साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा अगर बैक्टीरिया के रेफरेंस में देखें, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉलीजोम्स की या पॉलीराइबोसोम्स की। क्या बात करेंगे? इसके बारे में आपको सेल चैप्टर में थोड़ा बताया गया था। ठीक है, तो अगर आप बात करें कि साइटोप्लाज्म में पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स ये होते क्या हैं, तो ये क्या होते हैं? मिनी राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड, प्रेजेंट ऑन मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, और एक काम किसमें करते हैं, तो आप बोलते हो ट्रांसलेशन में या प्रोटीन सिंथेसिस में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रेजेंट होगा। अगर आप मोनेरा के रेफरेंस में बैक्टीरिया को पढ़ रहे हैं, तो उसके साइटोप्लाज्म में और क्या प्रेजेंट होगा? तो सबसे मेन आगे अब हमें पढ़ना है प्लाज्मिड के बारे में, तो ध्यान रखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्लाज्मिड की। तो प्लाज्मिड भी कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। अब प्लाज्मिड होता क्या है? तो प्लाज्मिड क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। क्या होता है? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल
present in cytoplasm. ठीक है, इसको भी थोड़ा बहुत आपने सेल चैप्टर में देखा था. ठीक है, मेनली वर्क इसमें करता है. तो अगर आप बात करो कि एस्ट्रोजेनिक जो मटेरियल है ये होता क्या है, तो ये होता है आपका सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. ठीक है, जो इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन शो करता है. क्या करता है? इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो करता है. ठीक है, मीन्स आप बात करते हो इसमें न्यूक्लियस में भी डीएनए रिप्रेजेंट होगा, पर जो जो प्लाज्मिड होता है वो एक्स्ट्राजेनेटिक मटेरियल होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में. और ये होता क्या है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो करता है. ठीक है, तो इसलिए हम इसको यूज किस में करते हैं, आगे जब आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे 12th में, तो इसको यूज हम करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग. किसमें यूज करते हैं हम? जेनेटिक इंजीनियरिंग. ठीक है, अब यहाँ पे हम आगे बताया जाएगा कि इसके थ्रू क्या करते हैं, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स फॉर्म किए जाते हैं, तो वहाँ पे प्लाज्मिड का यूज होता है. ठीक है, तो प्लाज्मिड इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो करता है, जिसका हम जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी यूज करते हैं. जब आगे आपको बायोटेक्नोलॉजी 12th में पढ़ाया जाएगा तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में बहुत डिटेल बताया जाएगा. चल अभी यहाँ याद रखिए, इसका यूज एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी होता है, बहुत सारे हार्मोन्स के प्रोडक्शन में, मार्कर के प्रोडक्शन में होता है. ठीक है, तो वो सब आपको बताया जाएगा. ठीक है, अब अगर हम बात करें कि अगर प्लाज्मिड को हम रिमूव करें बैक्टीरिया से, तो क्या बोला, रिमूवल ऑफ प्लाज्मिड ठीक है, ये पॉइंट और ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि अगर मान लो कि ऐसा जैसे आपने बोला कि प्लाज्मिड जेनेटिक मटेरियल है या डबल सर्कुलर स्ट्रैंडेड डीएनए है जो इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन शो करता है, जिसका जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, तो उसको निकालते होंगे ना बैक्टीरिया से. तो अगर मान लो आपसे ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में कभी घुमा फिरा के पूछता है कि अगर प्लाज्मिड को हम बैक्टीरिया से निकाल दें तो बैक्टीरिया अलाइव रहेगा, डेथ हो जाएगी? ठीक है, तो बैक्टीरिया कैसा होता है, अलाइव ही रहेगा, डेथ नहीं होती उसकी. ठीक है, चलिए आगे देखें. अगर हम बात करें प्लाज्मिड में, तो प्लाज्मिड में और भी बहुत सारे एडिशनल कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, यानी जो प्लाज्मिड होता है सो एडिशनल कैरेक्टर्स. क्या क्या कैरेक्टर शो करता है इसको हमें पढ़ना है. ठीक है, जैसे एग्जांपल जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा. ठीक है, जैसे अगर आप बात करो इसके लिए, तो जो अगर आप एग्जांपल की बात करो तो बोला जो जीन फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रेजेंट इन प्लाज्मिड. ठीक है,
जैसे आपने बोला ना बहुत सारे बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में, तो जो उसके लिए जीन प्रेजेंट होता है ना वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें टाइप ऑफ प्लाज्मिड की, ये प्लाज्मिड के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है, अगर आप प्लाज्मिड की टाइप्स की बात करो तो थोड़ा शॉर्ट रिव्यू लेंगे। पहला क्या होता है आर प्लाज्मिड, हम फर्स्ट की बात करें तो हम क्या बोलेंगे आर प्लाज्मिड। ठीक है, आपको बस थोड़ा बहुत ही जानना है इसमें। तो आर प्लाज्मिड किसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है कैरियर जीन प्रेजेंट होता है रेजिस्टेंस के लिए सर्टेन एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, आर प्लाज्मिड क्या होते हैं, यहाँ पे कैरियर जीन फॉर रेसिस्टेंस फॉर सर्टेन एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो क्या बताया आर प्लाज्मिड मतलब जो रेजिस्टेंस प्लाज्मिड है वो टाइप है प्लाज्मिड का, यहाँ पे क्या होते हैं कैरियर जीन प्रेजेंट होते हैं किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए जो सर्टेन एंटीबायोटिक्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता इसके ऊपर। तो पहला क्या है आपका आर प्लाज्मिड। चलो सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड कौन सा टाइप हो सकता है, तो सेकेंड है कॉल प्लाज्मिड। अब कॉल प्लाज्मिड क्या होता है, चलो कॉल प्लाज्मिड मतलब होता है, बोला है बैक्टीरिया में अगर ये प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो क्या वो प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस टॉक्सिन। क्या प्रोड्यूस करता है, टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। अब कौन सा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, उसका नेम है कोलिसिन। क्या नेम है, कोलिसिन। ठीक है, अभी कोलिसिन टॉक्सिन करता क्या है, अदर टाइप्स बैक्टीरिया को किल करता है, करता क्या है, जो अदर टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं उनको क्या करता है, किल करता है। ठीक है, तो अगर कॉल प्लाज्मिड किसी बैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो क्या रिलीज करता है, टॉक्सिन। टॉक्सिन का नाम क्या है, कोलिसिन, जो करता क्या है, अदर टाइप ऑफ बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, थर्ड हम पढ़ेंगे एफ प्लाज्मिड। क्या पढ़ेंगे, एफ प्लाज्मिड, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, आईएमपी भी है एफ प्लाज्मिड। अब इस टाइप का मतलब क्या हुआ, इसको हम बोलते हैं दूसरे टर्म में फर्टिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी फैक्टर, किसके लिए, बैक्टीरिया के रेफरेंस में। अभी होता क्या है, ठीक है, तो बोला बैक्टीरिया अगर इस टाइप का प्लाज्मिड कंटेन करता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेन। ठीक है, तो क्या बोला कि अगर बैक्टीरिया कंटेन दिस प्लाज्मिड कॉल्ड एज मेल, क्या बोलते हैं उसको, मेल। ठीक है, ठीक है, तो एफ क्या है आपका, ये जीन है किसके लिए, मेलनेस के लिए, किसके लिए है, मेलनेस के लिए जीन है।
ठीक है, दोनों का मतलब वही हुआ। तो क्या बताया कि अगर बैक्टीरिया में स्टैग का प्लाज्मिड पेटेंट है तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, मेल, क्योंकि जो जीन होता है मेलनेस के लिए वो कहाँ पेटेंट होता है, इस प्लाज्मिड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो प्रेजेंट होगा तो क्या बोलेंगे, अगर एफ प्लस है तो उसको हम क्या डिनोट करते हैं, डिनोट एज मेल। ठीक है, अगर नहीं है तो क्या लिखेंगे हम, तो क्या डिनोट करेंगे, एफ माइनस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फीमेल। क्या बोलेंगे, फीमेल। ठीक है, चलिए इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पढ़ना है, तो बैक्टीरिया में कैसा न्यूट्रिशन होता है। तो देखो बैक्टीरिया में दोनों टाइप्स के न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप बात करो तो फर्स्ट जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, ऑटो ट्रॉपिक। ठीक है, अगर दूसरे को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, चलिए हमें दोनों पढ़ने हैं। देखो अब ऑटोट्रॉपिक भी फर्दर डिवाइडेड है कि ऑटोट्रॉपिक भी दो टाइप्स का होता है, यानी बैक्टीरिया जो ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो दो मोड में क्या करते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं। एक क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं। क्या होते हैं, कीमो सिंथेटिक। ठीक है, हेटरोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें भी क्या है, हमें देखने को मिलता है और भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉपिक भी क्या है, फर्दर डिवाइडेड आप कर सकते हैं इसको तीन में। पहला होते हैं जो सिम्बायोटिक होते हैं, सेकंड की आप बात करो तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, नेक्स्ट वन की अगर आप बात करो तो पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर बैक्टीरिया में देखें तो ऑटो मेन दो, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो सेल फूड फॉर्म करे। ठीक है, अब वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक मतलब जो लाइट के प्रेजेंस में फूड को फॉर्म करे, कीमोसिंथेटिक मतलब जो अदर केमिकल मतलब इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी लेते हैं और फूड फॉर्म करते हो, कीमोसिंथेटिक में। हेटरोट्रॉपिक में थ्री टाइप पढ़ने हैं, सिम्बायोटिक मतलब जो किसी होस्ट सेल के साथ क्या करते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होते हैं, वर्क करते हैं और क्या होते हैं, फूड को लेते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब जो क्या होते हैं, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं। एंड पैरासाइट मतलब जो क्या करते हैं, होस्ट बॉडी में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं एज ए पैरासाइट। वो हो सकते हैं एंडोपैरासाइट भी हो सकते हैं और एक्सोपैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे फोटोसिंथेटिक, इसकी बात करेंगे हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की। चलिए अब फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, तो चलो अगर हम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो यहाँ पर जो बैक्टीरिया होता है वो फूड कैसे फॉर्म करता है, यानी यहाँ पे जो फूड जो सिंथेसाइज होता है विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी।
किससे होता है, सोलर एनर्जी से क्या होता है, फूड का फॉर्मेशन किया जाता है, सेल फूड फॉर्म होता है। और क्या परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। बट अब इसमें भी कुछ डेविएशन है, बोला है कि जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है, क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, ठीक है, जिसको हम दूसरे टर्म में क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बैक्टीरियो क्लोरोफिल। चलो अब लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जैसे आप बोलते हो प्लांट में भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है, पर प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस होता है तो क्या रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। बट वहाँ पे अगर हम बात करें एज ए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के को कैसे फॉर्म किया जाता है, वाटर के थ्रू, वहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, यहाँ पे वाटर को एज ए सोर्स ऑफ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन यूज नहीं करते, ठीक है। यहाँ पे जो वाटर होता है, वाटर आर नॉट यूज एज ए सोर्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, या ऐसे लिखो या लिख सकते हो एच प्लस और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सो आप बोल सकते हो यहाँ पे जब यूज ही नहीं होता तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता, ठीक है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होता। जब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल नहीं होगा तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा, ठीक है, ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होगा। और जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तो इस टाइप का जो फोटोसिंथेसिस है उसको हम बोलते क्या हैं, तो उसको हम बोलते हैं एन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं, एन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, क्या बोलते हैं, एन ऑक्सीजेनिक प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा प्रोसेस है, एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस है या ऑक्सीजेनिक प्रोसेस है, तो उसका मेन यही रीजन है कि जब उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि नॉर्मल की अगर हम बात करें, ठीक है, प्लांट की, तो प्लांट में वाटर स्प्लिटिंग हमें देखने को मिलता है, वहां पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कैसे प्लांट एज ए सोर्स ऑफ वाटर यूज करता है, वहाँ पे वाटर स्प्लिटिंग होता है, इसी वजह से प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। बट अगर बैक्टीरिया में बैक्टीरिया क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, लाइट एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज होता है, पर वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता, तो वाटर स्प्लिटिंग नहीं होता तो ऑक्सीजन भी रिलीज नहीं होता, और इस टाइप के फोटोसिंथेसिस को हम क्या बोलते हैं, एनऑक्सीजेनिक प्रोसेस, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस आप बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। पर कुछ बैक्टीरिया में क्या होता है, ठीक है, तो यहां पे अगर वाटर नहीं होता तो वहां प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे मिलता है बैक्टीरिया को, तो यहां पे बैक्टीरिया जो होता है यूटिलाइज various
ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एज ए सोर्स ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यहाँ पे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कैसे मिलते हैं बैक्टीरिया को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के. ठीक है, अब देखो अगर बैक्टीरिया इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करता है प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के लिए. ठीक है, यहाँ पे नोट करके लिखेंगे. ठीक है, कि इफ bacteria used inorganic substance as a source of H plus and electron तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फोटो लिथोट्रॉप्स. उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फोटो लिथोट्रॉप्स. ठीक है, थोड़ा तो ध्यान रखेंगे इसको, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है. फोटो लिथोट्रॉप्स मतलब क्या होता है, कि अगर बैक्टीरिया और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस फॉर्म में यूज करता है H प्लस और इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोलिथोट्रॉप्स. अगर एग्जांपल देखें तो एग्जांपल क्या है आपका, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. इसका एग्जांपल क्या होगा आपका, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया. दूसरा अगर बात करो तो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, क्या हुआ आपका, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, तो पहला क्या आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, दूसरा क्या आपका पर्पल सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, लेकिन अगर मान लो ऑर्गेनिक कंपाउंड को एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी यूज करता है. ठीक है, तो अगर इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज फोटो ऑर्गेनोट्रॉप, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप. ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप. ठीक है, अब एग्जांपल के बेसिस से बात करो तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा आपका, एग्जाम्पल ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, तो कैसा है आपका, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप. ठीक है, चलिए अब हम दूसरी बात करें और एग्जाम्पल की, तो क्या होगा आपका, पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया. ठीक है, ये क्या होगा आपका, फोटो ऑर्गेनोट्रॉप होगा. चलें अब थोड़ा टेबल के फॉर्म में हम देख लेते हैं कि कौन सा
आपके ऑर्गेनोट्रॉफ हैं और कौन क्या है आपके लिथोट्रॉफ हैं, उनके एग्जांपल को पढ़ेंगे, ठीक है, एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को पढ़ेंगे, ठीक है, और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए पहला बैक्टीरिया आपका ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जांपल इसका क्या होगा, ठीक है, अगर एग्जांपल की बात करो आप, क्या हुआ आपका क्लोरोबियम, ठीक है। दूसरा पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, इसका एग्जांपल देखें तो क्या होगा क्रोमेटियम, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्या हम ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, इसका एग्जांपल क्या होगा आपका क्लोरोनीमा, ठीक है। लास्ट हम क्या पढ़ेंगे पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा आपका रोडोस्फिलम, दूसरा एग्जांपल बात करो तो रोडोपैक्टर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अब देखते हैं कौन सा पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगा। तो अगर आप पिगमेंट की बात करो कौन सा पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होगा, तो इसमें क्या होगा क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल किसमें होगा ग्रीन बैक्टीरिया में, ठीक है। दूसरा क्या होगा बैक्टीरियो विरिडिन, ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट होगा। इसमें कौन सा पिगमेंट, इसमें होगा पर्पल पिगमेंट, ठीक है, पर्पल पिगमेंट होगा। और क्या होगा बैक्टीरियो परप्यूरिन, बैक्टीरियो परप्यूरिन पिगमेंट प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें इसमें कौन सा होगा, तो इसमें होगा बैक्टीरियो विरिडिन, इसमें क्या प्रेजेंट होगा तो बैक्टीरियो परप्यूरिन, ठीक है, पिगमेंट प्रेजेंट होगा। चलो सोर्स ऑफ एच प्लस एंड ई की बात करें, सोर्स ऑफ एच प्लस एंड इलेक्ट्रॉन कौन कौन से होंगे, तो इसमें क्या होगा
एलिमेंटल सल्फर। नेक्स्ट बात करो H2S, और भी क्या होंगे, वेरियस इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, सेकंड की बात करो पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में क्या होगा, वेरियस सल्फर कंटेनिंग इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नेक्स्ट ग्रीन सल्फर, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट होगा, तो इसमें होगा फैटी एसिड प्लस एल्कोहल, ठीक है, एज ए सोर्स ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये थे आपके फोटोलिथोट्रॉप्स एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स, उसके एग्जांपल, उसके पिगमेंट एंड सोर्स ऑफ H प्लस एंड ए प्लस, आपको याद होना चाहिए, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया।